तो आज की इस वाली वीडियो में मैं सर्वे करने वाला हूँ 50 डेज इन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। इस 50 डेज में मुझे माइनक्राफ्ट के पॉकेट एडिशन में सर्वाइव करना है। एंड इस 50 डेज में मेरे लिए तीन टास्क भी है। पहला टास्क है मेरे लिए एक विलेज को ढूंढना, एंड दूसरा टास्क है मेरे लिए एक डायमंड आर्मर बनाना, एंड तीसरा टास्क है कि आलिशान बंगला बनाना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डे वन को मैं स्पॉन हो चुका हूँ यहाँ। बच गया साला, शुरू होते ही गेम खत्म हो जाता है यार। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे डे वन को स्टार्ट कर दिया लकड़ियाँ काटना। लकड़ियाँ काट के मैंने फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल बनाए, लेकिन यहाँ पे मैंने एक के बदले में चार बना दिया। तो उसके बाद मैंने फिर से लकड़ियाँ काट के थोड़े बहुत बेसिक टूल्स बनाए। एंड आगे मुझे एक शीट दिखी थी, तो उसको मार के मैं थोड़े बहुत वुड कलेक्ट करना चाहता था, क्योंकि डे वन को मुझे सर्वे करने के लिए बेड चाहिए। तो उसके आगे मुझे एक और शीट दिखती है, तो मैंने इसको भी मार ही दिया यार। तो उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे यहाँ पे स्टोन दिखाई दिया था, एंड उसके साथ कोल भी दिखाई दिया था। तो फटाफट से मैंने थोड़े बहुत कोल को माइन किया, एंड उसके साथ थोड़े बहुत स्टोन को भी माइन किया, क्योंकि मुझे उसके साथ एक स्टोन के टूल्स को बनाना है। तो इसलिए फटाफट से मैंने थोड़े बहुत स्टोन के टूल्स बनाए के कोल इकट्ठा किया। उसके बाद मैंने एक बोट क्राफ्ट किया। बोट क्राफ्ट करके मैं समुंदर में निकल पड़ा एक विलेज को ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरा पहला टास्क था विलेज को ढूंढना। तो इसलिए मैंने फटाफट से निकल गया, एंड थोड़ी दूर जाने के बाद ही यहाँ पे डे वन मेरा ख़त्म हो चुका था। तो मैंने एक जगह को यहाँ पे देखा है जो कि समुंदर के किनारे। यहाँ पे मैंने फटाफट से एक क्राफ्टिंग टेबल को निकाल के यहाँ पे बेड बना लिया, एंड समुंदर के किनारे देखते देखते ही मैंने यहाँ पे सो गया। डे टू की सुबह मैंने मेरा जो बेड एंड क्राफ्टिंग टेबल जो कुछ भी मैंने यहाँ पे रखा था वो सब कुछ लेके फिर से निकल गया विलेज को ढूंढने के लिए। एंड जाते जाते मेरे इस वर्ल्ड का पहला आयरन मुझे यहाँ पे दिख चुका था, एंड इस आयरन को भी मैंने यहाँ पे माइन कर लिया। एंड उसके बाद मैंने थोड़े बहुत दूर चला गया था। काफ़ी ज़्यादा दूर जाने के बाद मुझे एक बैडलैंड्स बायोम दिखा था, एंड इतना बड़ा बैडलैंड्स था, मैंने सोचा नहीं था इतना बड़ा बैडलैंड्स मुझे मिलेगा के। एंड इस बैडलैंड्स में कुछ विलेज होता नहीं है, तो मुझे इसमें उम्मीद भी नहीं है कुछ विलेज मिलेगा कह के। जितना जल्दी मैं यहाँ से निकल जाऊँगा तो उतना अच्छा कह के सोच के मैंने फिर से निकल गया। एंड इस बार मैंने काफ़ी ज़्यादा दूर ही ट्रैवल कर दिया भाई, काफ़ी ज़्यादा दूर। एंड मैंने कुछ होप्स किया था यहाँ पे माइन शाफ्ट वगैरह कुछ मिलेगा कह के, लेकिन कुछ मिला नहीं। एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा दूर ट्रैवल किया मैंने, ट्रैवल करता करता गया, एंड फाइनली मुझे एक जंगल वाला बायोम दिखा था। एंड मेरा उम्मीद अभी भी नहीं था विलेज मिलने का। तो यहाँ पे भी डे टू मेरा यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। एंड डे थ्री को मैंने फिर से वापस से विलेज को ढूंढना स्टार्ट किया, एंड फाइनली डे थ्री के एंडिंग में मुझे एक विलेज मिल गया। एंड ये विलेज को चेकआउट करने के लिए जल्द से जल्द मैंने गया था ऊपर, एंड मुझे जब पता चला ये विलेज पूरा माउंटेन्स पे था, एंड इतना बड़ा विलेज था कि क्या ही बताऊँ मैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, फाइनली मैंने यहाँ पे एक बेड लगा के भी सो गया था। एंड डे थ्री यहाँ पे ख़त्म हो चुका था, एंड डे फोर के सुबह मैंने इस विलेज पूरा छान मारा, एंड उसमें एक घर मुझे पसंद आया था। एंड फाइनली मैंने उसमें मेरे सामान पूरा रख दिया, चेस्ट में मेरे सामान रख दिया, एंड फर्नेस क्राफ्टिंग टेबल ला के रख दिया। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरा बेड रख के रिस्पॉन पॉइंट भी मैंने यहाँ पे ही सेट कर दिया। उसके बाद थोड़े बहुत पिकैक्सेस बनाया, एंड मेरा सामान जो कुछ भी मैंने रास्ते में कलेक्ट किया वो सारा का एक चेस्ट में रख के मैं दूसरे टास्क के ऊपर बढ़ने जाता था। लेकिन यहाँ पे मेरा एक दुश्मन आ रहा था, दुश्मन बाजू की खड़ा था, जो कि ये देखो आप लोग दुश्मन मेरा। अगर ये ब्लास्ट हो गया ना तो पूरा मर जाऊँगा। तो डे फोर भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका था इसके बाद। एंड उसके बाद मैंने माइनिंग में चला गया फटाफट से, एंड इस माइनिंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा सामान मिले, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा आयरन मिल भी मिला था, एंड काफ़ी ज़्यादा गोल्ड भी मिला था, एंड उसके बाद थोड़ा बहुत रेडस्टोन भी मिला था। लेकिन यहाँ पे मुझे एक भी डायमंड मिला नहीं था, तो इसलिए मैं वापस से आ चुका था, मेरे ऊपर ओवरवर्ल्ड में आ चुका था, क्योंकि मेरा सामान पूरा यहाँ पर ख़त्म हो चुका था, जैसे कि पिकैक्स। एंड उसके बाद ऊपर आने के बाद मैंने जो कुछ भी यहाँ पर आयरन था मुझे मिला वो सारा का सारा स्मेल्ट किया। एंड उसके बाद मैं चला गया वुड काटने के लिए, क्योंकि वुड अब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद मैंने उसको प्लैंक्स बना के थोड़े बहुत स्टिक्स बना के जो आयरन की पिकैक्स को क्राफ्ट किया। एंड उसके बाद मैंने फिर से सो गया। सो के उठने के बाद मैंने फटाफट से फिर से माइन पे गया, एंड इस बार मैं किसी
तो यहाँ पे मुझे मिल चुके थे 8 डायमंड्स पूरे। तो यहाँ पे 8 डायमंड्स मैंने 3 डायमंड्स को यहाँ पे माइन किया एंड इस 3 डायमंड्स को लेके मैंने ऊपर चला गया एंड ऊपर जाके एक लाइब्रेरियन को विलेजर में कन्वर्ट किया, सॉरी विलेजर को लाइब्रेरियन में कन्वर्ट किया एंड उसके बाद मैंने इसकी इतनी कुटाई की ना फाइनली इसने मुझे एक फॉर्चून 2 की बुक दे दिया एंड इससे मैंने 2 फॉर्चून 2 की बुक खरीद के इसमें फॉर्चून 3 बना दिया उसको एंड फाइनली मैंने मेरी पिकैक्स में फॉर्चून 3 भी यहाँ पे लगवा लिया। तो उसके बाद मैं चला गया फिर से माइन में चले जाके जो बचा कुछ डायमंड्स था उसको माइन किया एंड उसके बाद थोड़ा देर और माइन करके मैंने काफ़ी ज़्यादा ही डायमंड इकट्ठा किया मैंने एंड फाइनली 33 डायमंड्स होने तक मैंने यहाँ पे माइन किया। उसके बाद मैं वापस आके मेरे जो पूरे के पूरे डायमंड आर्मर थे उसको बना लिया एंड फाइनली यहाँ पे टास्क 2 का मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी भी। तो मुझे इसमें एन्चेंटमेंट लगाना है एंड उसको एन्चेंटमेंट लगाने के लिए एन्चेंटमेंट टेबल चाहिए। तो फटाफट से मैं एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाने की तैयारी करता हूँ एंड यहाँ से मैं थोड़ा बहुत एरिया को माइन करके ना शुगर केन से यहाँ पे प्लांट करने वाला हूँ क्योंकि पेपर्स बनाने के लिए शुगर केन चाहिए ना, इसलिए शुगर केन को यहाँ पे प्लांट कर दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत एफ के रहा एंड फाइनली मेरा शुगर केन यहाँ पे ग्रो हो चुका था। उसके बाद इसको काट के मैंने फिर से वापस इसको लगा दिया एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा काउस को मारने के बाद मेरे पास काफ़ी एनफ लेदर आ चुका था एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा देर एफ के होकर शुगर केन को मैंने काटना स्टार्ट किया एंड उसको दोबारा से प्लांट करना स्टार्ट कर दिया। फाइनली मेरे पास अभी एनफ शुगर केन कलेक्ट हो चुके थे। उसके बाद मैंने चला गया इस शुगर केन्स को पेपर में क्राफ्ट करके बुक्स बना के बुक शेल्फ्स बना दिया एंड अब मुझे फाइनली एन्चेंटमेंट टेबल बनाना है। तो मुझे यहाँ पे ऑब्सीडियन चाहिए तो ऑब्सीडियन यहाँ पे माइन करने के लिए वापस से मेरे माइन में आ चुका था। तो यहाँ पे मैंने 4 ऑब्सीडियन को माइन किया एंड 4 ऑब्सीडियन को माइन करने के बाद फिर से वापस से ऊपर चला गया एंड फाइनली मैंने यहाँ पे एन्चेंटमेंट टेबल बना दिया एंड एन्चेंटमेंट टेबल रखने के लिए मुझे एक जगह चाहिए था एंड ये घर में तो मैं रखने वाला नहीं हूँ तो इसलिए मैंने उसके लिए एक अलग से रूम बनाना चाहता हूँ एंड उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा स्प्रूस वुड चाहिए तो इसलिए मैंने स्प्रूस वुड का बायोम भी ढूंढ लिया एंड यहाँ से मैं काफ़ी ज़्यादा मैं स्प्रूस वुड कलेक्ट करके ले जाऊँगा। इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका था स्प्रूस वुड को ढूंढने में तो यहाँ से मैं फटाफट से स्प्रूस वुड एनफ जितना चाहिए उतना इकट्ठा करके एंड इसके सैपलिंग्स भी थोड़ा बहुत ले चलता हूँ एंड उसके बाद फाइनली यहाँ पे एरिया क्लियर करके घर बनाना स्टार्ट करता हूँ, सॉरी एन्चेंटमेंट रूम बनाना स्टार्ट करता हूँ यार। फाइनली एन्चेंटमेंट टेबल वाला रूम भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टेयर्स भी लगाए कुछ डेकोरेशंस के लिए एंड यहाँ से थोड़ा बहुत रास्ता भी बनाया एंड अब मैंने आ चुका हूँ एक एक्सपी फार्म बनाने के लिए क्योंकि मेरे पास एक्सपी है नहीं तो एन्चेंट करना है तो एक्सपी चाहिए ना, तो इसलिए एक्सपी फार्म यहाँ पे बनाने के लिए आ चुका एंड एक्सपी फार्म भी बन के कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत देर एफ के रहने वाला हूँ एंड एफ के रह के 60 लेवल तक मैंने कंप्लीट करता हूँ उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो यहाँ पे मेरा 60 लेवल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं तो अब मुझे यहाँ पे फटाफट से एन्चेंटमेंट्स करने वाला। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे सारे आर्मर एंड तो टूल्स मैंने अभी तक बनाया नहीं भाई, तो आर्मर में मैंने यहाँ पे सारा एन्चेंटमेंट यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलो इस आर्मर्स को उतार के यहाँ पे मैं सारा इसमें एन्चेंटमेंट जो कुछ भी मैक्स लगने वाला है वो सब कुछ बना लेता। तो फाइनली मैं यहाँ पे बना लिया मेरा फुल्ली एन्चेंटेड डायमंड आर्मर एंड इसी के साथ हमारे यहाँ पे 40 डेज़ भी कंप्लीट हो चुके हैं एंड लास्ट के 10 दिन बच चुके हैं। इसके 10 दिन में मुझे बनाना है मेरे घर, तो लास्ट टास्क है वो। तो इसके लिए मुझे स्प्रूस वुड काफ़ी ज़्यादा चाहिए तो फाइनली यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा स्प्रूस वुड कलेक्ट कर रहा हूँ। तो इस स्प्रूस वुड को कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया मेरे माइन में एंड यहाँ मुझे देखो यार क्या मिला, डायमंड्स। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा देर मैंने यहाँ पे डीप स्लेट को माइन किया एंड फाइनली अब जितना मेरे ये चाहिए सामान पूरा कलेक्ट कर लिया एंड अब फाइनली घर बनाने का टाइम ही बाकी है। तो चलो घर को बिल्ड करते हैं।
फाइनली गाइस यहाँ पे मेरा घर भी बन के तैयार हो चुका है। तो पीछे आप लोग देख सकते हो, ये रहा मेरा घर। एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था बनाने में, एंड फाइनली यहाँ पे 50 डेज भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी इस वाली वीडियो बनाने में, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा वीडियो कभी बनाया नहीं है, एंड मेरे फ़ोन में इतना ज़्यादा स्टोरेज भी रहता नहीं है बनाने के लिए। तो आपके लिए मैंने बनाया, तो प्लीज़ यार आप लोगों के दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।